हेलो दोस्तों, फाइनली मोटोरोला का मोटो वन फ्यूजन प्लस लॉन्च हो चुका है और इसकी प्राइस है तकरीबन 25,000 रुपये। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन पहले MI Note 10 Lite भी काफ़ी बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च हुआ था और इसकी प्राइस तकरीबन 28,000 रुपये है। तो दोस्तों, हमें खरीदना है एक मोबाइल, तो कौन सा मोबाइल है दोनों में बेस्ट, करेंगे इसका फुल कंपेरिजन और साथ में जानेंगे एक कंक्लूजन कि कौन सा मोबाइल हमारे लिए बेस्ट होगा। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक हमारे साथ इस पूरे वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में बेल के आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कलर्स की। तो दोस्तों, MI Note 10 Lite ब्लू, ब्लैक और व्हाइट तीन कलर ब्रांड में आपको देखने को मिलेगा। वहीं मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस भी आपको दो कलर ब्रांड में मिल जाएगा, जिसका ब्लू कलर वाला वेरियंट काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। आपको इसमें से कौन सा कलर पसंद है ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बात करें अगर डिजाइन की, तो दोनों ही मोबाइल की थिकनेस आप यहाँ देख सकते हैं। दोनों ही मोबाइल काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, तो मुझे दोनों ही मोबाइल की थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। अगर ये 8mm के पास होते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। वहीं बात करें अगर वेट की, तो MI Note 10 Lite 204 grams का है, जबकि मोटरोला वन फ्यूजन प्लस 210 grams का है। वहीं MI Note 10 Lite में आपको ग्लास पैक देखने को मिलेगा, जिस पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। वहीं मोटरोला वन फ्यूजन प्लस में पॉली कार्बोनेट की बॉडी दी गई है, जो थोड़ी सी चीप लगती है और इस पर स्क्रैच भी ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो मोटरोला वन फ्यूजन प्लस की बॉडी को सेफ रखने के लिए आपको इस पर एक कवर लगा के रखना होगा, जिसकी वजह से इस पर ज़्यादा स्क्रैच न पड़े। बात करें अगर डिस्प्ले की, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा बिग डिफरेंस है। MI Note 10 Lite में आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जबकि मोटरोला वन फ्यूजन प्लस में आपको IPS LCD पैनल वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। वहीं दोनों ही मोबाइल के डिस्प्ले का साइज तकरीबन 5.5 इंच है। वहीं दोनों ही मोबाइल में आपको पुराना रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो 60Hz का है। दोनों ही मोबाइल में आपको फुल HD प्लस वाले रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। MI Note 10 Lite में आपको 398 PPI डेंसिटी देखने को मिलेगा, जबकि 396 PPI डेंसिटी मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में देखने को मिलेगा। Note 10 Lite के डिस्प्ले पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में अभी इसको स्पेसिफाई नहीं किया है कि इस प्रोटेक्शन आपको दिया जाएगा या नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि कम से कम इस पर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं दोनों मोबाइल की मेमोरी एंड पावर के बारे में। तो MI Note 10 Lite में आपको 6GB रैम, 64GB इंटरनल, 6GB रैम, 128GB इंटरनल और 8GB रैम, 128GB इंटरनल तीन वेरिएंट देखने को मिलेंगे। वहीं मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस सिंगल वेरिएंट 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज साथ देखने को मिलेगा। हालांकि मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में आपको हाइब्रिड HD कार्ड सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि MI Note 10 Lite में नहीं दिया गया है। यहाँ पर मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस एज लेकर आगे निकल जाता है। और दोस्तों, बात करें अगर बैटरी की, तो MI Note 10 Lite में 5260mAh की बैटरी दी गई है, जबकि मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में 5000mAh की बैटरी दी गई है। यानी कि दोनों में बैटरी नहीं बैटरा दिया गया है और दोनों की बैटरी आपको काफी लंबे समय तक, यानी कि 2 दिन तक आपका आराम से निकाल देगी। साथ में MI Note 10 Lite में आपको 30W का फास्ट चार्जर दिया गया है, जबकि मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में आपको 15W का फास्ट चार्जर दिया गया है। यानी कि MI Note 10 Lite आपको 1 घंटे में करीब करीब फुल चार्ज हो जाएगा, जबकि मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस को चार्ज करने में 2 से 2.5 घंटे का वक्त लग सकता है। इस बात का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना होगा। वहीं बात करें सबके लाजवाब और पसंदीदा फीचर मोबाइल के कैमरे की, तो दोनों मोबाइल में आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर MI Note 10 Lite में OIS का सपोर्ट दिया गया है, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट दिया गया है। OIS के सपोर्ट की वजह से इसमें आप काफ़ी क्रिस्प और अच्छी क्वालिटी के वीडियो शूट कर पाएंगे। अगर आप हाथ में मोबाइल लेकर कोई वीडियो बनाते हैं, तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की वजह से वीडियो ज़्यादा हिलेगी डुलेगी नहीं और काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगी। वहीं दोनों ही मोबाइल से आप 4K क्वालिटी के वीडियो शूट कर पाएंगे। बात करें अगर सेल्फी कैमरे की, यानी कि फ्रंट कैमरे की, तो आपको MI Note 10 Lite में 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जबकि मोटरोला वन फ्यूजन प्लस में आपको 32MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया है। लेकिन पॉपअप सेल्फी कैमरा का डाउन साइड यह है कि यह गिरने पर कभी कभी मुड़ जाता है, जिससे आपका कैमरा खराब हो जाता है। इसी वजह से बहुत सारी कंपनियों ने अपने मोबाइल से पॉपअप सेल्फी कैमरा का ऑप्शन देना बंद कर दिया है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आप एक पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला मोबाइल लेना चाहते हैं या फिर वाटर ड्रॉप नॉच वाला। और बात करें मोबाइल के सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में, तो यहाँ पर दोनों ही मोबाइल में आपको Android 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है।
और दोनों ही मोबाइल में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 730G वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा बेहतरीन बना देता है। आप इसमें पबजी और फोर्टनाइट जैसे काफी हैवी गेम काफी स्मूथली खेल सकते हैं और आपको कोई भी लैग्स देखने को नहीं मिलेगा। साथ में दोनों ही मोबाइल में आपको 2.2 GHz वाले ऑक्टा कोर CPU देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों बात करें एक्स्ट्रा फीचर की, तो MI Note 10 Lite में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जबकि Motorola One Fusion Plus में आपको रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। साथ में दोनों ही मोबाइल में आपको डुअल सिम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ में दोनों ही मोबाइल में 3.5mm का ऑडियो जैक भी आपको मिल जाएगा। दोनों ही मोबाइल में आपको NFC का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों MI Note 10 Lite में आपको FM का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, जबकि Motorola One Fusion Plus में आपको FM का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों बात करें फाइनली प्राइस की, तो MI Note 10 Lite के 6GB रैम और 64GB वाले वेरिएंट की कीमत तकरीबन 2500 रुपये के लगभग हो सकती है, जबकि 6GB रैम और 128GB वाले वेरिएंट की कीमत 30000 रुपये के आसपास हो सकती है। वहीं आप MI Note 10 Lite के हाईएस्ट वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं तो 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत तकरीबन 32000 रुपये के आसपास हो सकती है। वहीं बात करें Motorola One Fusion Plus की, तो इसके सिंगल वेरिएंट 6GB रैम और 128GB इंटरनल वाले वेरिएंट की कीमत 25400 रुपये के आसपास हो सकती है। ये यूरोप में 299 यूरो में लॉन्च हुआ है और ऐसी उम्मीद है कि जुलाई में यह इंडिया में लॉन्च हो सकता है। और दोस्तों बात करें फाइनल कंक्लूजन की, कौन सा मोबाइल हमें खरीदना चाहिए, तो दोनों में ही आपको 64 MP का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन Motorola One Fusion Plus में आपको 32 MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जबकि MI Note 10 Lite में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो आप 32 MP का सेल्फी कैमरा लेना चाहते हैं या 16 MP का, ये आपको ध्यान रखना होगा। वहीं अगर बैटरी को देखें तो MI Note 10 Lite में 5260mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी, Motorola One Fusion Plus में भी आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आपका पूरे दिन साथ देगी। तो बैटरी के मामले में यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन MI Note 10 Lite में आपको 30W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, जबकि Motorola One Fusion Plus में मात्र 15W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, क्योंकि 30W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आप मात्र 1 घंटे में पूरी बैटरी चार्ज कर पाएंगे, जबकि 15W के चार्जर के साथ आपको 2 से 2.5 घंटे का वक्त लग सकता है। वहीं दोनों में ही आपको सेम इंटरनल स्टोरेज और रैम देखने को मिल जाएंगे और दोनों में ही सेम प्रोसेसर दिया गया है, यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप मोबाइल पर ज्यादा वीडियो देखना पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं MI Note 10 Lite आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें आपको सुपर AMOLED का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जबकि Motorola One Fusion Plus में IPS LCD वाला डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन MI Note 10 Lite में आपको SD कार्ड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, जबकि Motorola One Fusion Plus में आपको हाइब्रिड SD कार्ड का सपोर्ट दिया गया है, जिसके द्वारा आप 1 TB तक अपने मोबाइल की मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों सबसे जरूरी चीज होती है प्राइस, तो इस मामले में Motorola One Fusion Plus कहीं ना कहीं MI Note 10 Lite से आगे निकल जाता है, क्योंकि यह 25400 रुपये का है, जबकि इसी तरह के सेम वेरिएंट की कीमत तकरीबन 30000 रुपया आपको MI Note 10 Lite में पड़ती है, यानी कि यह 5000 रुपये सस्ता है MI Note 10 Lite से। और अगर Motorola One Fusion Plus इंडिया में इसी प्राइस रेंज में लॉन्च करता है तो यह एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। और दोस्तों आप इन दोनों में से कौन सा मोबाइल अपने लिए परचेज करना चाहेंगे और किस प्राइस में परचेज करना चाहेंगे, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।